हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद सुजीत में। तो दोस्तों, आज हम क्लास ट्वेल्थ के हिंदी के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। दोस्तों, यह हिंदी का मॉडल सेट नंबर 6 है। इससे पहले हम लोग मॉडल सेट 1 से 5 तक कवर कर चुके थे। उसे अगर आप नहीं देखे होंगे तो उसे आप जो है प्लेलिस्ट में जाकर सभी वीडियो को आसानी से देख सकते हैं। अगर इस 10 मॉडल सेट को अच्छे से तैयारी कर लेते हैं तो आपसे जो है ऑब्जेक्टिव सेक्शन से एक भी प्रश्नोत्तर नहीं छूटने वाले हैं दोस्तों। यानी कि 100% जो है यहीं से ही सभी प्रश्नोत्तर आपको बोर्ड एग्जाम में मिलेंगे देखने को। तो चलिए हम लोग बारी बारी से देखते हैं प्रश्न को। और यहाँ पे प्रश्न है कि भूषण की कविता है, कबीत, मातृभूमि, झंकार और डी है तोड़ती पत्थर। तो यहाँ पे चारों ऑप्शन को आप सही से देख सकते हैं कि इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होना चाहिए। ये सवाल बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, तो ये बहुत ही VVI प्रश्न है दोस्तों कि भूषण की कविता इनमें से कौन सा हो जाएगा। तो जो भी दोस्त ए के साथ जा रहे हैं कबीत, जो कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ए जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न है कि कमल का पर्यायवाची शब्द होता है, सरोज, भानु, पुष्प, धनवा और डी है रश्मि। तो यहाँ बताना है कि कमल का जो है पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन सा हो जाएगा। देखिए, कमल का पूछा गया है तो ये तो हम सभी को मालूम होगा कि ये सरोज होता है। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ये जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा पंकज भी होता है, याद रखे दोस्तों। पंकज, राजीव जो है ये सभी जो है ये कमल का पर्यायवाची शब्द होता है राजीव, याद रखिएगा। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और जो भी दोस्त नए जुड़ेंगे चैनल से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। वीडियो को जो है लाइक और शेयर जरूर करने का प्रयास कीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देख रहे होंगे स्क्रीन पर, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण ये सवाल है कि चतुर्भुज कौन सा समास है। तो चार भुजाओं से घिरे क्षेत्र को हम लोग चतुर्भुज कहते हैं। तो यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बहुब्रीही समास जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और बाय चांस अगर ऑप्शन में द्विगु समास भी रहे और बहुब्रीही समास भी रहे तो हम सभी जो है द्विगु समास के साथ ही जाएंगे दोस्तों, बहुब्रीही समास के साथ नहीं जाएंगे। अगर ऑप्शन में द्विगु समास नहीं दिया रहेगा तो हम लोग जो है बहुब्रीही समास के साथ आसानी वे से जाएंगे, तो जो कि बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर जो यहाँ पे जो बी ऑप्शन है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। द्विगु समास में क्या होता है कि प्रथम पद जो है वह संख्यात्मक होता है, यह भी याद रखेगा। और यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न आप देख सकते हैं कि मलिक मुहम्मद जायसी कैसे कवि हैं, प्रेम मार्गी, ज्ञान मार्गी, कृष्ण मार्गी और डी है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होना चाहिए दोस्तों कि मलिक मुहम्मद जायसी जी कैसे कवि है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रेम मार्गी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ये जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। और इनके द्वारा एक बुक लिखा गया था पद्मावत, याद रखें दोस्तों। पद्मावत जो है वह किनकी रचना है, तो ये मलिक मुहम्मद जायसी जी के, याद रखें पद्मावत, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है दोस्तों। और इनके द्वारा एक पाठ लिखा गया था मलिक मुहम्मद जायसी के, वह था कड़बक। कड़बक जो है पाठ के लेखक जो कौन है, तो वह है मलिक मुहम्मद जायसी जी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण यह सवाल है कि भगत सिंह के पिता और चाचा किसके सहयोगी थे, चंद्रशेखर आज़ाद, पटुकेश्वर दत्त, लाला लाजपत राय और डी है सुखदेव। तो यहाँ पे इस प्रश्न का सही आंसर क्या होना चाहिए दोस्तों कि भगत सिंह के पिता और चाचा किसके सहयोगी थे। तो पांचवा नंबर प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वह लाला लाजपत राय जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सी जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं यहाँ तक जो सेशन है आपसे बहुत ही अच्छे से कवर किए होंगे। सेशन अगर अच्छी लग रही हो तो लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों, और चैनल पर नए जुड़े हो तो जो सब्सक्राइब ही कर लीजिएगा। और यहाँ पे प्रश्न है कि कायर का विलोम शब्द क्या होता है, बहादुर, शक्तिशाली, पहलवान या अखौरिया। तो यहाँ पे कायर का पूछा गया है, तो कायर कौन होता है जो कि जी चुराता है। तो यहाँ पे कायर का विलोम पूछा गया, यानी कि अपोजिट पूछा गया है। तो अपोजिट क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे सिक्स नंबर प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लोग बी के साथ जाएंगे, शक्तिशाली यानी कि साहसी होता है, याद रखे दोस्तों। साहसी, साहसी जो है यह कायर का विलोम शब्द होता है, तो इसलिए हम लोग जो है शक्तिशाली के साथ जाएंगे, क्योंकि शक्तिशाली रहेंगे तो ही तो आप कोई भी कार्य कर सकते हैं। यहाँ पे बी के साथ हम लोग जाएंगे, जो कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। वैसे कायर का ज़्यादातर आपको साहसी ही मिलेगा कि कायर का विलोम शब्द क्या होता है, तो कायर का साहसी होता है। और यहाँ पे प्रश्न है कि चिड़ीमार कौन सा समास है, बहुब्रीही, क्रमधार्य और तत्पुरुष और द्वंद्व समास। तो देखिए, चिड़ीमार जो है इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है सूटेबल है, यानी कि सही आंसर हो जाएगा, तो ये है तत्पुरुष समास का
उदाहरण होता है चिड़ी मार। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि चिड़ी मार जो है वह कौन समास से है, तो यह जो है तत्पुरुष समास के साथ जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे देखेंगे कि सुंदर का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, सुर भी तरु मनोहर या कुंदन। तो यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होना चाहिए दोस्तों कि सुंदर का जो है पर्यायवाची शब्द क्या होता है, तो ये होता है मनोहर, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो सी ऑप्शन है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और यहाँ पे प्रश्न है कि राजेंद्र का सही संधि विच्छेद क्या होता है, तो यहाँ पे राजेंद्र का सही संधि विच्छेद क्या होता है, तो राज जोड़ इंद्र होता है, राज जोड़ इंद्र हो जाएगा, राज जोड़ इंद्र। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ये जो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। इसमें क्या होता है कि ज के पास क्या है, तो यहाँ पे अ जोर ई बराबर क्या होता है, तो ए होता है, याद रखेगा, अ जोर ई बराबर ए होता है, ये भी याद रखे। तो ये यहाँ पे जो ऑप्शन जो ए है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा राजेंद्र। नेक्स्ट नंबर प्रश्न है कि जो बहुत बोलता है उसे एक शब्द में क्या कहते हैं। देखिए जो बहुत बोलता है उसे हम लोग वाचाल के नाम से जानते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो ए ऑप्शन है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि जो बहुत बोलता है उसे हम लोग वाचाल के नाम से जानते हैं। और आ जन्म में कौन सा समास है, जहाँ भी अगर अ से होगा यानी कि आ जन्म, तो ये अव्यय भाव के साथ जाएंगे, यानी कि जो निगेटिव होता है यहाँ पे अव्यय भाव के साथ जाते हैं। और अव्यय भाव का यथाशक्ति जो है बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि यथाशक्ति जो है कौन सा समास है, तो ये जो है अव्यय भाव का धाकड़ उदाहरण होता है, ये अभी याद रखिएगा दोस्तों। तो आ जन्म जो है यह अव्यय भाव समास होता है, याद रखिएगा। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न है कि सिपाही की माँ निम्नलिखित में से कौन है, तो यहाँ पे चुन्नी, बिस्नी और किसनी और मुन्नी है। तो यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होना चाहिए दोस्तों कि सिपाही की माँ निम्नलिखित में से कौन है, तो यहाँ पे इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा 12 का वह है बिस्नी। बिस्नी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न को कवर करते हैं। इस क्लास का पीडीएफ जो है आप सभी को टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा दोस्तों। और तिरिश के रचनाकार कौन है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है कि तिरिश के जो है वह रचनाकार कौन है, तो 13 प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वह उदय प्रकाश जी है। उदय प्रकाश जी जो है वह तिरिश पाठ के रचनाकार है। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न को कवर करते हैं। और यहाँ पे प्रश्न है कि चक्रपाणि कौन सा समास है, तो बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। देखिए इसमें से अलग से पद प्रधान होता है, तो चक्रपाणि कौन है, तो जो चक्र लिए रहते हैं वह श्री कृष्ण है और विष्णु भगवान जी है, तो ये इसमें अलग से पद प्रधान होता है, तो ये बहुव्रीहि समास के साथ हम लोग जाएंगे, जो कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ये जो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा बहुव्रीहि समास के त्रिलोकी भी होता है, त्रिलोकी किन्हें बोला जाता है, तो वह शंकर भगवान को जो है अतिलोकी बोला जाता है। जैसे गजानन किसे बोला जाता है, तो गजानन जो है वह श्री गणेश जी को गजानन बोला जाता है। और जो है और दशानंद किसे बोला जाता है, तो दशानंद जो है ये रावण को बोला जाता है, याद रखें दोस्तों। ये सभी जो है बहुव्रीहि समास के महत्वपूर्ण उदाहरण में से एक है, यानी कि इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और यहाँ पे 15 प्रश्न आप देखेंगे स्क्रीन पर कि प्रविधि में कौन सा उपसर्ग है, तो हम बहुत बार आप सभी को बताए थे कि उपसर्ग में क्या होता है कि पहला पद जो है प्रधान होता है और अंतिम पद किसे प्रधान होता है, तो वह प्रत्यय में, तो प्रविधि। विधि एक प्रकार का शब्द होता है और इसके यहाँ पे पूछा गया है उपसर्ग, तो यहाँ पे यहाँ पे ऑप्शन दिया ही नहीं है दोस्तों, यहाँ पे प्र उपसर्ग हो जाएगा, ठीक है, प्र उपसर्ग, ठीक है। अगर प्रतिविधि रहता, प्रतिविधि, तो प्रतिविधि में क्या होता है, तो प्रतिविधि में अगर रहेगा तो यहाँ पे प्रति यहाँ पे उपसर्ग हो जाता प्रति, लेकिन यहाँ पे तो प्रविधि दिया गया है, तो ये इसमें जो है प्र उपसर्ग है, याद रखेगा दोस्तों, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है, और जो भी दोस्त लाइक नहीं किए होंगे वीडियो को जरूर लाइक कर लीजिएगा, शेयर एक बार जरूर सभी दोस्त मिलकर कर दीजिए वीडियो को अपने दोस्तों के पास। और यहाँ पर देखिए प्रश्न को कि हाथ पैर कौन सा समास है, तो हम आप सभी को बताए थे कि जिसमें दोनों पद प्रधान हो, जैसे हाथ पैर, भाई बहन, दाल भात, जैसे हाथ पैर, जैसे हाथ पर यहाँ पर लिखा गया कि गया है हाथ पैर, तो इसमें अगर बीच में अगर रेकरिंग अगर आपको दिखाई दे दे, जैसे भाई बहन हम लोग लिखते हैं भाई बहन, तो ये सभी जो है ये द्वंद्व समास होता है, भाई बहन, ये जो बीच वाला अगर रेकरिंग अगर आपको पहचान में आ जाए, तो ये सभी जो है द्वंद्व समास में आता है, याद रखें दोस्तों। यानी कि इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी,
बी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। द्विगु समास से पहला पद जो है संख्यात्मक होता है, याद रखें दोस्तों, जैसे त्रिलोकी नहीं, यहाँ पे चतुर्भुज हो जाएगा या चौराहा हो जाएगा, सभी जो है ये द्विगु समास में जाता है, लेकिन यहाँ पे अगर दोनों पद अगर प्रधान हो, ये सभी जो है द्वंद्व समास में जाता है, याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट अब प्रश्न यहाँ पे देखेंगे कि दाने दाने को तरसना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है, लाचार होना, कंजूस होना या भूखमरी की स्थिति होना या डी है इनमें से कौन है। तो देखिए दाने दाने को तरसना मुहावरे का जो सही अर्थ हो जाएगा, यहाँ पे 17 प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा भूखमरी की स्थिति होना, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो ए ऑप्शन है इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यहाँ पे लाचार होना नहीं हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। यह भूखमरी की स्थिति होना ये दाने दाने को जो है तरसने लगना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो ए ऑप्शन है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। लाचार होना किसको बोलते हैं, जो कुछ नहीं कर पाता है दोस्तों, ठीक है। और यहाँ पे प्रश्न है कि फणीश्वरनाथ रेणु की इनमें से कौन सा रचना है, बहुत बार एग्जाम पूछे गए हैं बहुत बार कि फणीश्वरनाथ रेणु की रचना इनमें से कौन सा हो जाएगा, तो यहाँ पे इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा 18 नंबर प्रश्न का जो राइट आंसर होगा मैला आंचल, मैला आंचल जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आप सभी को जो है ये क्वेश्चन कैसे मिलेगा कि मैला आंचल इनमें से किन की रचना है, तो ये फणीश्वरनाथ रेणु की है, याद रखिएगा, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं यहाँ तक जो सेशन है आप सभी बहुत ही अच्छे से कवर किए होंगे। सेशन अगर अच्छी लग रही हो तो लाइक जोड़ कीजिएगा दोस्तों, और चैनल पर नए जुड़े तो जो सब्सक्राइब ही कर लीजिएगा। और यहाँ पे प्रश्न की आस्ति का विवृतार्थक शब्द क्या होता है, यानी कि विलोम शब्द पूछा गया है आस्ति का, तो आस्ति का विलोम शब्द क्या होता है, तो ये तो नास्तिक हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो बी ऑप्शन है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए हम लोग 20वां प्रश्न को भी अच्छे से कवर कर लेते हैं। और यहाँ पे देखिए प्रश्न को कि रघुवीर सहाय ने किस विषय में एमए किया था, तो यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होना चाहिए दोस्तों कि रघुवीर सहाय ने किस विषय में एमए किया था, और ऑप्शन है अंग्रेजी, हिंदी, इतिहास या भूगोल। तो यहाँ पे इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अंग्रेजी जो है यानी कि इंग्लिश में जो है इन्होंने बीए किए थे रघुवीर सहाय जी, यानी कि इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। और इनके द्वारा एक पाठ लिखा गया था दोस्तों, आप सभी को मालूम होगा कि अधिनायक पाठ के लेखक कौन है, तो ये रघुवीर सहाय जी है, याद रखिएगा, अधिनायक पाठ के लेखक कौन है, अधिनायक तो ये जो है रघुवीर सहाय जी हैं, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि अधिनायक पाठ के लेखक कौन है, तो ये रघुवीर सहाय, और ये भी प्रश्न उत्तर बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, तो अंग्रेजी जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आप प्रश्न यहाँ पर देख रहे होंगे स्क्रीन पर, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण ये सवाल है कि किस कवि का मूल नाम वेदनाथ मिश्र हैं, यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होना चाहिए दोस्तों कि किस कवि का मूल नाम जो है वेदनाथ मिश्र है, तो यहाँ पे 21 नंबर प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पे देखिए इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एन नागार्जुन जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और यहाँ पे देखिए प्रश्न को कि छात्रों को रहने का स्थान क्या कहलाता है, छात्रावास, महाविद्यालय, विद्यालय या कोचिंग, तो ये देखिए छात्रों को रहने के लिए जो स्थान होता है उसे हम लोग छात्रावास के नाम से जानते हैं, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ये जो इस प्रश्न का राइट आंसर है, महाविद्यालय में हम लोग पढ़ने जाते हैं और विद्यालय में भी हम लोग जो है पढ़ने जाते हैं और कोचिंग में भी जो है हम लोग पढ़ने जाते हैं, तो ये तो रहने वाला जगह है नहीं, तो छात्रावास जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ये जो इस प्रश्न का बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देखेंगे और यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं कि किस रचनाकार की पंक्तियाँ हैं कि नारी स्वप्न है, नारी सुगंध है, नारी पुरुष की बांह पर झूलती हुई जूही की माला है, प्रेमचंद, अज्ञेय, मोहरा के शरमधारी सिंदिनकर, यहाँ पे चारों ऑप्शन को देख सकते हैं। इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होना चाहिए दोस्तों कि किस रचनाकार की पंक्तियाँ हैं कि नारी स्वप्न है, नारी सुगंध है, नारी पुरुष की बांह पर झूलती हुई जूही की माला है, तो यहाँ पे 23 नंबर प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ये रामधारी सिंह दिनकर की जो है ये पंक्तियाँ हैं, यानी कि इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, डी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देखेंगे कि तपोबल का सही संधि विच्छेद क्या होता है, तपोबल, तो तपोबल में क्या होता है कि इसमें विसर्ग संधि लगा होता है, तो तपह जोर बल होता है, तपह जोर बल, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो ए ऑप्शन है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कभी भी जो है संधि विच्छेद में जो है पहले पद में जो है
विसर्ग संधि लगता है, दूसरे शब्द में नहीं लगता है, याद रखिएगा दोस्तों। दूसरे शब्द में कहाँ लगता है तो संस्कृत में लगता है, याद रखिएगा। तो तपह जोर बल हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो ए ऑप्शन है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे देखेंगे 25वां प्रश्न कि उपवन में कौन सा उपसर्ग है। तो हम बहुत बार आप सभी को बताए थे कि उपसर्ग में अंतिम सॉरी पहला पद प्रधान होता है, वन जो है एक प्रकार का शब्द होता है और उप जो है इसमें उपसर्ग हुए। तो उप देखेंगे कि इस ऑप्शन में है, तो ये तो ऑप्शन नंबर हम लोगों को बी में ही दिखाई दे रहा है जो कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं यहाँ तक जो सेशन है आपसे बहुत ही अच्छे से कवर किए होंगे। सेशन अगर अच्छी लग रही हो तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों, और चैनल पर नए जुड़े हो तो जरूर सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और यहाँ पे प्रश्न है कि प्रेमचंद की रचना इनमें से कौन सा हो जाएगा। शिखर एक जीवनी, पूस की राह, सिपाही की माँ और मेरी वियतनाम यात्रा। तो देखिए प्रेमचंद की यहाँ पे रचना पूछा गया है, तो ये भी प्रश्नोत्तर बहुत ही भिवियाई है कि इसमें से कौन से जो है प्रेमचंद की रचना है। तो अब पूस की राह बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि पूस की राह जो है किन की रचना है, तो अब प्रेमचंद की है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो बी ऑप्शन है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और एक है सिपाही की माँ, तो सिपाही की माँ के जो लेखक है वह मोहन राकेश जी हैं, याद रखे दोस्तों। मोहन राकेश की जो है रचना जो है सिपाही की माँ है, याद रखेगा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और यहाँ पर 27वां प्रश्न आप देख सकते हैं स्क्रीन पर जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण यह सवाल है कि सब्ज बाग दिखाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होना चाहिए दोस्तों कि सब्ज बाग दिखाना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है। झूठ बोलकर ठगना, लालच देना, डराना या व्यर्थ की बातें करना। तो सब्ज बाग दिखाना मुहावरे का जो सही अर्थ हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो बी है यानी कि लालच देना, जो कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और जो भी दोस्त चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, आपसे भी जरूर साथ देने का प्रयास कीजिएगा दोस्तों, अधिक से अधिक जरूर शेयर कीजिएगा दोस्तों। बहुत ही महत्वपूर्ण ये सेशन है आप सभी के लिए, इससे बाहर एक भी प्रश्नोत्तर नहीं पूछा जाएगा दोस्तों, यानी कि सही प्रश्नोत्तर यहीं से ही 100% मिलेंगे दोस्तों। देखने को बोर्ड एग्जाम में ये 100% गारंटी के साथ कर सकते हैं। और यहाँ पे प्रश्न कि तुलसीदास कैसे कवि माने जाते हैं, रहस्यवादी, छायावादी, आलस अलगाववादी या समन्वयवादी। तो यहाँ पे तुलसीदास जो है कैसे कवि माने जाते हैं, यहाँ पे चारों ऑप्शन को आप सही से देख सकते हैं। तो 28वां प्रश्न जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अलगाववादी, जो कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और यहाँ पे देखिए प्रश्न है को कि ओ सदनीरा के लेखक कौन है। काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि ओ सदनीरा के लेखक कौन है, तो यहाँ पे 29वां प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे जगदीश चंद्र माथुर जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बी जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे 30वां प्रश्न है कि ओ सदनीरा शीर्षक का संबंध किस विद्या से है, उपन्यास, कहानी, निबंध या नाटक। तो यहाँ पे चारों ऑप्शन को आप देख सकते हैं कि ओ सदनीरा जो है शीर्षक का संबंध किस विद्या से है, तो यह जो है एक प्रकार का निबंध है। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। और रोज क्या है, तो रोज एक प्रकार की कहानी है। और यहाँ पे प्रश्न है कि जहाँ पहुँचना कठिन है क्या कहलाता है, दुर्गम, दुष्कर या दुर्लभ या डी है, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे 31वां प्रश्न का राइट आंसर क्या होना चाहिए दोस्तों कि जहाँ पहुँचना कठिन है उसे हम लोग किस नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा इसे हम लोग दुर्गम के नाम से जानते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर जो यहाँ पे जो ए ऑप्शन है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और दुर्लभ इसलिए नहीं होगा क्योंकि इसमें समान का बात किया जाता है, समान अगर कम है तो यहाँ पे दुर्लभ ये समान हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे दुर्गम जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और यहाँ पे 32वां प्रश्न आप देखेंगे स्क्रीन को जो कि राइट आंसर क्या होना चाहिए कि प्रकाशित में कौन सा प्रत्यय है। देखिए प्रत्यय में अंतिम पद प्रधान होता है और उपसर्ग में पहला पद प्रधान होता है। ऐसा शब्द होता है जो कि एक शब्द बनता है। देखिए प्रकाश तो एक प्रकार का शब्द है प्रकाश, लेकिन इसमें हर्षई से ई है, ई प्रकाश जो, और यहाँ पे त है, तो ईद उपसर्ग देखेंगे किस ऑप्शन में है, तो ये तो ऑप्शन नंबर ए में ही दिखाई दे रहा है जो कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ए जो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे 33वां प्रश्न आप देखेंगे स्क्रीन पर जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण ये सवाल है कि नाक काटना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है, अपमानित होना, कमजोर होना, निर्धन होने या गुस्सा होना। तो यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा दोस्तों कि उसकी भरी सभा में उसकी नाक कट गई यानी कि अपमानित हो गया,
यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो ए ऑप्शन है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ये जो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं यहाँ तक जैसे सुने आप सभी अच्छे से कवर किए होंगे। 33 नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और यहाँ पे प्रश्न है कि बातचीत निबंध है कि निबंधकार कौन है, सबसे ज़्यादा पूछा जाता है कि बातचीत क्या है यानी कौन सी विद्या है, तो यह जो है एक प्रकार का निबंध है, यानी कि लेखक कौन है यानी कि निबंधकार कौन है, तो बातचीत के जो निबंधकार है वह है बालकृष्ण भौर जी, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो ए सॉरी जो सी ऑप्शन है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और मोहन राकेश तो जानते ही हैं कि सिपाही के माँ के लेखक कौन है, तो मोहन राकेश जी और जयप्रकाश नारायण इनके द्वारा संपूर्ण क्रांति पाठ लिखा गया था, संपूर्ण क्रांति के लेखक कौन है, तो जयप्रकाश नारायण जी और सिपाही के माँ मोहन राकेश जी। और भगत सिंह की बात करें तो एक लेख और एक पत्र के जो रचनाकार है वह भगत सिंह है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और यहाँ पे देखिए प्रश्न को कि सज्जन का सही संधि विच्छेद क्या होता है, 35 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या होना चाहिए दोस्तों कि सज्जन का सही संधि विच्छेद क्या होता है, तो 35 नंबर प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा यह किस, तो यहाँ पे इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाए देखिए इसमें क्या होता है कि स और त में हलंत रहता है, सत जो जन जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो डी ऑप्शन है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। यहाँ पे जो है ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल नहीं होगा दोस्तों, ठीक है, यहाँ पे सत जोर जन होता है, सत जन यानी कि सज्जन, सत जोर जन याद रखिएगा दोस्तों, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और यहाँ पे प्रश्न है कि जिसने यश प्राप्त किया हो उसे एक शब्द में क्या कहा जाता है, यानी कि अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है कि जिसने यश प्राप्त किया है उसे एक शब्द में क्या कहा जाता है, तेजस्वी यशस्वी या गुणवान या डी है इनमें से कौन ही, तो यहाँ पे 36 नंबर प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा इसे हम लोग यशस्वी के नाम से जानते हैं, क्योंकि ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो बी ऑप्शन है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और यहाँ पे देखिए प्रश्न को कि प्रश्न क्या कर रहा है कि पुत्र वियोग में माँ ने किसके भय से अपने लाल को गोद से नहीं उतारा था, तो यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होना चाहिए दोस्तों कि पुत्र वियोग में माँ ने किसके भय से अपने लाल को गोद से नहीं उतारा था, तो यहाँ पे इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा 37 का ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठंड के भय से, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। एक बार सभी दोस्तों मिलकर लाइक और शेयर जरूर करने का प्रयास कीजिएगा दोस्तों। और यहाँ पे प्रश्न है कि बड़प्पन में कौन सा प्रत्यय है, तो हम लोग आसानी में से जानते हैं कि प्रत्यय में अंतिम पद प्रधान होता है, तो बड़ जो है एक प्रकार का शब्द है और बड़ में अ छुपा है, तो अ अप प अन अपन यानी कि अपन इसमें प्रत्यय हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो डी ऑप्शन है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, डी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देखेंगे स्क्रीन पर जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण यह सवाल है कि सदाचार में सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा दोस्तों, तो सदाचार तो स्वत जोर आचार होता है, स्वत जोर आचार तो में हलंत रहता है, स्वत जोर आचार हो जाएगा, स्वत जोर आचार तो देखेंगे किस ऑप्शन में है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो बी ऑप्शन है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, स्वत जोर आचार जो हो जाएगा दोस्तों, ठीक है, जो बी है इस प्रश्न का राइट आंसर हो। और यहाँ पे प्रश्न है कि नीलांबर कौन सा समास है, तो नीला है अंबर, तो नीला अहे अंबर ये क्रमधारय समास होता है, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ए जो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए प्रश्न को कि निम्नलिखित में से कौन सी कवि निरक्षर थे, यहाँ पे कौन सी कवि जो है वह निरक्षर थे, तो यहाँ पे 42 नंबर प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कबीरदास जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और यहाँ पे 43 नंबर प्रश्न के महेश का सही संधि विच्छेद क्या होता है दोस्तों, महेश का तो देखिए यहाँ पे चारों ऑप्शन को देख सकते हैं कि महेश का जो है सही संधि विच्छेद क्या होता है, तो इसमें क्या होता है कि महा महाजोर ईस होता है, महाजोर ईस, यहाँ पे क्या होता है कि आ अजोर बड़ी ई बराबर क्या होता है, तो ये होता है ए, ठीक है दोस्तों, तो आसानी से बोल सकते हैं महेश का जो है सही संधि विच्छेद क्या होता है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो सी है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और यहाँ पे प्रश्न है कि गाल बजाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, तो गाल बजाना मुहावरे का जो सही अर्थ हो जाएगा यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो ए है, यानी कि डिंग हाँकना जो कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ए जो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे प्रश्न है कि मीरा ने अपना प्रियतम किसे माना है, राम को कृष्ण को शिव को या
बलराम को। तो यहाँ पे चारों ऑप्शन को आप सही से देख सकते हैं कि मीरा ने जो है अपना प्रियतम किसे माना है, तो ये श्री कृष्ण को माना है। यानी कि इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बी जो इस प्रश्न का राइट आंसर है। ये भी सवाल बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो बी जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे 46 नंबर प्रश्न आप देखेंगे स्क्रीन पर, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण ये सवाल है कि सुभद्रक कुमार चौहान की कविता इनमें से कौन सा हो जाएगा, पुत्र वियोग, हार जीत, गांव का घर और डी है इनमें से कौन नहीं। तो यहाँ पे सुभद्रक कुमार चौहान की कविता इनमें से कौन सा हो जाएगा, तो जो भी दोस्त ए के साथ गए हैं यानी कि पुत्र वियोग, जो कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ए जो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। और हार जीत किनकी रचना है, तो अशोक वाजपेयी की है हार जीत, अशोक वाजपेयी, अशोक वाजपेयी की जो है हार जीत रचना है। और गांव का घर जो रचना है वह ज्ञानेंद्रपति जी के है, ज्ञानेंद्रपति जी। ठीक है दोस्तों, आसानी से बता सकते हैं कि पुत्र वियोग सुभद्रक कुमार चौहान, हार जीत अशोक वाजपेयी, और गांव का घर जो है ज्ञानेंद्रपति जी, याद रखिएगा दोस्तों। और यहां पे 47 नंबर प्रश्न है कि वह स्थान जहाँ सेना रहती है क्या कहलाता है, फौजशाला, छावनी, LOC या बंकर। तो यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, कि वह स्थान जहाँ सेना रहती है उसे हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो इसे हम लोग छावनी, यानी 47 नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, छावनी के नाम से जानते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और यहाँ पे प्रश्न है कि कमल नयन कौन सा समास है, जिसके कमल के समान नयन हो यानी कि आँख हो उसे हम लोग किस समास में रखते हैं, क्या क्रमधारय, द्वंद्व या तत्पुरुष या वैभव। तो कमल नयन जो है समास है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो, तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कमल है जो है समास है, ये क्रमधारय समास है। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ए जो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। और यहाँ पे 49वां प्रश्न है कि आलसी का जो है विलोम शब्द क्या होता है, तेजस्वी, बिनर, परिश्रमी या उद्यमी। तो देखिए आलसी का विलोम शब्द जो होता है परिश्रमी होता है। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सी जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए प्रश्न को कि अधिनायक शीर्षक कविता के कवि कौन है, तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 50 का वह रघुवीर सहाय जी है। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ए जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से इस महत्वपूर्ण सेशन को यहीं पे ख़त्म किया जाता है। सेशन अगर आपसे भी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों, और चैनल पर नए जुड़े हैं तो जो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, और अपने दोस्तों के पास भी शेयर करने का प्रयास कीजिएगा दोस्तों। तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नई उम्मीदें के साथ, तो हंसते रहिए और मुस्कुराते रहिए और अपनी तैयारी को जो है मजबूत करते रहिए। अभी कितना है दोस्तों, जय हिंद।